खंडवा जिले के अंतर्गत आने वाले खालवा ब्लॉक के ग्राम जामनिया सरसी में बद से बदतर गलियां व मुख्य मार्ग कीचड़ से सरोबार। ग्रामीणों ने बताया है कि सचिव एवं सरपंच सावित्री बाई के पति की मिली भगत से सीसी रोड के कार्यों में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि पूर्व में बनाए गए सीसी रोड में किसी भी प्रकार का कोई रखरखाव नहीं हुआ है। चार महीने में सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। वहीं अगर गांव के तालाब की बात करें तो ग्रामीणों ने बताया है कि भारी भ्रष्टाचार है। मछली पालन का पैसा भी डकार गए सचिव व सरपंच के पति। सरपंच सावित्री बाई के देवर ने खोली भ्रष्टाचार की पोल। देखिए पूरी खबर आईबीएन 24 न्यूज पर फरीद मंसूरी के साथ। क्या यार काम क्या है बताएं? महाराज हमारा यहाँ पे जो रोड बन रहे हैं ग्राम में, ये सारे घटिया काम हो रहे हैं। उसमें मटेरियल भी जो लाया जा रहा है वो भी आधी मिट्टी है, आधी रेत है, और सीमेंट मात्रा कम दी जा रही है, और जो बनना वास्तविकता जो बनना चाहिए वैसा बन नहीं रहा है। और सरपंच सचिव उनके मन से बना रहे हैं, और उनके मन से जो ठेकेदार उनको अच्छा पसंद देगा उनके यहाँ काम करवा रहे हैं। रहा सवाल ठेकेदार कोई भी हो, लेकिन उचित जो काम है वो काम ये लोग नहीं करवा रहे हैं। टोटल दो नंबर का काम हो रहा है। अभी जो हो रहा है जी, अभी जो चल रहा है काम वो गलत हो रहा है। रहा सवाल दूसरी बात, इस रूट की ये पहले पास होकर आ गई पंचायत में, ग्राम सभा हुई, आम सभा हुई, उसमें ये बोला गया कि सबसे पहले ये कौन सा ढाना अपना है, माता जी मंदिर, बड़ा ढाना। हाँ, इस ढाने में रोड पहले बनेगा, उसके बावजूद अन्यथा दूसरा रोड बनेगा। जिस जगह पे 20 से 25 लोग निकलते हैं, 8 से 10 घर बने हुए हैं, वहाँ रोड पहले इन लोगों ने मनमानी करके व्यर्थ काम चालू करवा दिया है। जहाँ कम से कम 200-250 मकान है, जहाँ से मेन गलियाँ हैं, जिस गांव से रूट खमला कर जाती है। अच्छा, इसमें पहले जो रोड बने वो उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति इसकी रामा रोल है कि 4 महीने में पूरा फुट के ये हो गया, जब से उसको बनाया जाए धूल बन गया, पूरा धूल बन गया। वो तो गारंटी पे होगा ना 5 साल की? 181 कम्प्लेन हमने करवाई, उसने सरपंच ने 40% मांगा, सचिव ने 40% मांगा। उसके बाद में अभी मैंने एक रोड बनाया, एक रोड जो बनवाया है तो उस बनाने के मेरे भतीजे ने बनवाया, यानी मैंने बनाया समझ लो जी। तो उसमें क्या करा है कि आप 40% कमीशन दो तो आपका पैसा निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। ये तो कौन बोलता है? ये सरपंच सचिव दोनों बोलते हैं जी। और रहा सवाल दूसरी बात, उसमें नरेंद्र श्रीवास्तव करके एक जो है, तो वो व्यक्ति भी इसमें ऑब्जेक्शन, उसका भी रोल इसमें बहुत बड़ा है। घटिया काम वो कर रहा है, क्योंकि सरपंच सचिव को 2-4-5 हज़ार दिया दारू पानी के लिए, मुर्गा उर्गा खिलाया, कहीं ढाबे में खिलवाया, और बस चलो काम में लूंगा। आपका आपका नाम? मेरा नाम मनोज राठौड़ है, ग्राम जामना सिटी का रहने वाला हूँ। सभी सभी दादा संतुष्ट हैं इनकी बातों से? तो 4 महीने में ये उखड़ गया सब? ये 4 महीने उखड़ गया, गड्ढे देख लीजिए आप। आपके गांव का नाम बताएं? जामना सरसरी। आपका नाम क्या है भैया? मनोज राठौड़। और एक दो का नाम? नाम बोलो। पप्पू सरने काजले। पप्पू काजले बोले। और अनुप फिलहाल जी ठीक है। ये रोड की सर जांच करी जाए, ये रास्तों के लिए आपने सचिव सरपंच को कभी बोला है? मैंने कम से कम 10 बार बोला, और कुछ सभा मीटिंग में कि भाई उधर सब पब्लिक का आपत कर रही है। और कुछ लिखित में दिया है क्या? नहीं, लिखित में सचिव ने आवेदन लिख लिया। हाँ, कितनी बार? कम से कम 10 बार लिख लिया कि नहीं बोले हो जाएगा, ये आवेदन सीओ साहब को लगा देंगे और ये अपना ये उधर मुर्मी करवा देंगे, पत्थर डलवा देंगे, मुर्मी करवा देंगे, करवा देंगे। और हमें एक जानकारी और मिली है, जो तालाब है उसकी स्थिति क्या है? तालाब में पानी नहीं है? उठ गया, बह गया, मतलब नकली काम था सर, नकली काम था तो नकली बह जाएगा। तो कब बना था ये तालाब? कौन बोलेगा? यानी कितने दिन हुए? 3-4 महीने हुए तालाब बने हुए, है ना? आप सरपंच साहब के भाई हो, है ना? छोटे वाले। ठीक है, आपका नाम बताइए सर। कमल आभासे। कमल आभासे जी, ठीक है सर जी। हाँ भैया, भाई साहब समस्या बताए आपकी। सर ये रोड बन रहा था, अगले साल बना, पर मतलब सही साफ काम नहीं हुआ, उसमें सीमेंट नहीं डली सही, अब 6 महीने नहीं हुआ, सब गड्ढे फड्ढे पड़ गए। सही बात है, ये बात सही है, उखड़ गए। हाँ, उखड़ गए हो तो सर। भाई साहब आपका नाम बताएं? सिद्धार्थ राठौर। गांव का नाम बताएं? ठीक है, थैंक यू भाई। तालाब बना है? हाँ जी। उसके विषय में हमें जानकारी मिली कि वो तालाब खराब बना, सच है कि झूठ है? सही है। वो हमें पानी है, सभी लोग बोल रहे हैं उसमें पानी इंस्टॉल करने के लिए रखा है, तो पानी नहीं रुक रहा है। पानी है, फूट गया उस पर, बुका थोड़ी।
फूट कर निकल गए उसमें तो पानी निकल गया। उसमें मछली पालन के लिए हमने सुना था कुछ भरा हुआ था। मछली पालन के ढाई से 3 लाख रुपए की मछली पालन का पैसा था, वो निकाल के खा गए और उसमें कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है तो मछली कहाँ जाएगी।